प्रख्यात कलाकार सनी लियोनी द्वारा अभिनीत मधुवन में राधिका नाचे गाने को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस गाने को लेकर उपजे विवाद को लेकर हमारे संवाददाता मोहित चतुर्वेदी ने जाना ब्रजवासियों का पक्ष। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मथुरा में कहा जाता है कि ब्रजमंडल पूरे 84 कोस में विद्यमान है और इस 84 कोस के कण कण में राधा और कृष्ण का प्रेम भाव झलकता है। शायद यही कारण है कि मथुरा देश और विदेशी नहीं विश्व पटल पर अपनी एक अलग ही पहचान रखता है। कहा जाता है कि मथुरा ब्रजमंडल राधा और कृष्ण की उन साक्षी है, उनके अभूतपूर्व और अतुलनीय प्रेम का। यही कारण है कि यहाँ का बच्चा बच्चा बाल गोपाल का स्वरूप रखता है, तो बच्चियों में राधा रानी का चेहरा स्पष्ट रूप से झलकता हुआ सामने आता है। जगह जगहों पर लोगों के हृदय में वास करती है, परंतु वर्तमान स्थिति ये आ चुकी है कि कुछ कारणों से राधा जी का स्वरूप कहीं धूमिल न हो जाए, इसको लेके ब्रजवासियों को अब खड़ा होना पड़ा है। बात करते हैं हम यहाँ पर मौजूद प्रबुद्ध लोगों से, ब्रजवासियों से, और जानते हैं कि क्या कारण है उनके द्वारा विरोध किए जाने का। आखिर क्या कारण है इस पूरे वीडियो में जिस प्रकार से दिखाया गया है, उस चित्रण में क्या कमी है और क्या परेशानी है? जहाँ तक मैंने उस क्लिप को देखा है, थोड़ा पूरा नहीं देखा है, मगर सनी लियोनी अपने आप में एक नाम ही ऐसा है, उसका और भक्ति के किसी भी गीत का कोई तारतम्य दिखता नहीं, समझ में नहीं आता। उस जो मधुबन में राधिका नाचे एक बहुत पुराना गीत है, तो उन राधा जी के नाम के गाने को लेकर जिस अश्लीलतापूर्ण भाव भंगिमा में वह नृत्य किया गया है, वह निश्चय ही आलोचना का तो पात्र है ही। उसको तत्काल प्रतिबंध करने का, और ऐसे मैं कहना चाहूँगा यह जो उनका कृत्य है यह इस निंदा की श्रेणी में ही आता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ही नहीं, सनातन धर्म में जितने भी हमारे देवी देवता हैं वो सभी हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे आराध्य हैं। और सनातन धर्म को लोगों ने इतना हल्का समझ रखा है कि हम हमारी अवमानना, हमारे ईश की, हमारे इष्टों की अवमानना का एक फैशन जरा चल गया है, इसको रोकने का तत्काल कठोर प्रयास होना चाहिए। जी आप बताएं, आप भी लगातार संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, संगीत में पूर्व में जैसे विजय बहादुर भाई साहब ने बताया भी कि पूर्व में एक गाना था मधुबन में राधिका नाचे, उस गाने को ही कुछ चेंजेस करके इसमें प्रदर्शित किया गया है, आपने भी देखा, क्या कहेंगे आप? बहुत दुख का विषय है, और ये गाने के शब्द जो आध्यात्मिक शब्द थे जो इस गाना बना हुआ है, बहुत पुरानी परंपरा का गाना है ये, बहुत अच्छे कवियों ने लिखा हुआ है ये, लेकिन इसको तोड़ मोड़ो की जो व्यवस्था की गई है इसके लिए बहुत दुख है। और इसमें सबसे बड़ा दोषी पहले कौन है जिसने ये गाना लिखा, दूसरा दोषी वो है जिसने इसका म्यूजिक कंपोज किया, तीसरा दोषी है जिसने इसको फिल्मांकन किया और डाला, और सबसे बड़ा दोषी मेरी नज़र में सेंसर बोर्ड है जिसने इस गाने को पास कैसे किया। और जहाँ तक मैं जानता हूँ ये गाना बहुत जल्दी हटेगा, मुझे भगवान की के ऊपर बहुत विश्वास है और राधा रानी के ऊपर पूर्ण विश्वास है, गाना यूट्यूब पे अभी हटा नहीं है, ये भी यहाँ से भी हटाएगा। जी आप बताएं भाई, आप क्या कहेंगे इस पूरी बात? मैं ओम प्रकाश बंसल, आज ही मुझे मालूम हुआ कि कोई वीडियो क्लिप इस प्रकार का यूट्यूब पर उस पर आया है जिसमें मधुबन में राधिका नाचे जो इतना कहना चाहिए सुंदर और भावात्मक गीत था, उसको किस तरह से कहना चाहिए उसको बुरे ढंग से, खराब ढंग से जो है उसको प्रदर्शित किया गया है। जो क्लिप मैंने देखी, निश्चित रूप से मैं देखना भी मैंने उसको अच्छा नहीं समझा, और मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा जो संगठन है वो भारतीय संस्कृति, जो कि सनातन धर्म की संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए, उसे पुनर्स्थापित करने के लिए है, हम उसी कार्य में लगे हुए हैं, और अगर इस तरह का देखने को मिलता है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही निंदनीय है और अपराध की श्रेणी में आता है।
न मालूम क्यों कुछ लोगों ने ये एक तरह से अपना धंधा बना रखा है कि हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के ऊपर हम कुछ भी करते रहें और हिंदू समाज उसका विरोध थोड़ा बहुत ही करता है, ज़्यादा नहीं करता। मैं प्रांतीय अध्यक्ष के नाते, संस्कृत भारती के अध्यक्ष के नाते और चैरिटेबल ट्रस्ट के मेंबर के नाते कहना चाहिए सरकार से जो है वो आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के वीडियो जो हैं उनको ख़त्म कराया जाए और आगे भी ऐसी हिम्मत न करें, ऐसा सरकार का जो है उस प्रकार कोई भी एक्शन इस पर होना चाहिए। आचार्य ब्रजेंद्र नागर जी, हम बात करेंगे कि आप बताएं, आप क्या कहेंगे। देखिए, कोटि कोटि हिंदुओं की आराध्या देवी, ब्रजवासियों की प्राणाधार, भगवान श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति, जिसके विषय में पूरा विश्व जानता है कि ऐसी शक्ति के संबंध में जिस प्रकार का ये गीत मधुवन में राधिका नाचे, ये कितना पवित्र गीत था किसी समय में, और आज उस गीत को किस तरह से तोड़ मरोड़ करके उस तरह से उस पर जिस तरह के भोंड़ापन का नृत्य किया है सनी नियोली, जिसके द्वारा इस तरह का जो कार्य किया गया है वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। ब्रजवासियों को बहुत बड़ा उससे ठेस पहुंची है और मैं तो समझता हूँ समस्त हिंदुओं को ही इस बात का दुख हो रहा है कि इस प्रकार की जो बॉलीवुड में बैठे कुछ लोग इस प्रकार के कार्य करते रहते हैं और हिंदू संस्कृति पर बार बार कोई ना कोई किसी न किसी रूप पर, कभी कृष्ण जी पर, कभी राम जी पर, कभी गणेश जी पर, कभी शिव जी पर, तांडव को लेकर के, शिव तांडव को लेकर के, कभी गणेश स्तुति को लेकर के, इस तरह की कुछ ना कुछ ऐसी बातों को डालते रहते हैं जिससे हिंदू समाज में बवाल पैदा होता है और उनकी आस्था को ठेस पहुँचती है। और इस प्रकार का करने के पीछे उनका एक ही मंसूबा रहता है कि हिंदुओं को किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करना, हिंदुओं को किसी न किसी रूप से परेशान करना, ये उन लोगों की मंशा रहती है। और उसी को लेकर के ये एक गीत जो एक अच्छा गीत था, उस गीत को एक नग्न प्रदर्शन के द्वारा और इस तरह से उसको प्रस्तुत किया गया है, ये वास्तव में बहुत ही निंदनीय है। वर्तमान का जो दौर है उसमें एक मानसिकता बन गई है कि एक तो हम और आप देख रहे हैं संगीत और साहित्य दोनों में अश्लीलता का प्रदर्शन किया जा रहा है। शब्द नाटक आप देखें, नाटकों में जो शब्द आ रहे हैं वो किस तरह, नाटकों की जो कथानक लिखी जा रही है वो किस तरह की लिखी जा रही है, गीतों में जो शब्द हैं वो किस तरह की रही है। ठीक है, आज का साहित्य है, लेकिन आप पुरातन जो साहित्य है उसको अपने मनमाने ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो ये आपकी नीचता की पराकाष्ठा है। यह वही हुआ है कि जो लोग जिन्होंने की मानसिकता बिगड़ चुकी है, जो कि समाज में अश्लीलता फैलाना चाहते हैं, जिनकी अश्लीलता से पहचान है, वो ऐसे व्यक्ति भारतीय संस्कृति को विकृत करना चाहते हैं। मैं स्पष्ट शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि अब परिवर्तन का दौर है, दौर बदल रहा है, इस मानसिकता को बदलें और इन सब चीज़ों से बाहर जाएं। अन्यथा युवा वर्ग एक वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी साहित्य, हिंदी संस्कृति, भारतीय संस्कृति रक्षा के लिए घर से निकल चुका है, कार्य कर रहा है, उसका भी इनको सामना करना पड़ेगा। तो ये लोग बचें और ऐसे इन्होंने जो प्रदर्शन किए उनको अपने चैनलों से हटाएं और अपनी मान मर्यादाओं का, भारतीय संस्कृति परंपराओं का ध्यान रखते हुए अच्छे अच्छे आचरण करें, अच्छा साहित्य लिखें, अच्छे गीत लिखें, अच्छे बोल लिखें, अच्छे अच्छे कार्य करें, अन्यथा इनको परिणाम इसके भुगतने पड़ेंगे। जी, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि मैं एक ब्रजवासी हूँ, दूसरा एक एज ए म्यूज़िक कंपोज़र भी हूँ मैं, तो उसके नाते मैं ये कहना चाहूँगा कि क्या बॉलीवुड पर अब कंपोज़र ख़त्म हो चुके हैं, क्या लिरिक्स राइटर ख़त्म हो चुके हैं, या जो गाने वाले हैं वो सिंगर वो ख़त्म हो चुके हैं, या फिर ये जो कृत्य किया गया है, राजदान किया गया है, इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। हर बार टारगेट करके हिंदू संस्कृति के लिए क्यों ये करते हैं। अब जैसे कि शब्द है मधुबन में राधिका नाचे रे, इसका जो इम्पॉर्टेंस है जिन्होंने ये लिखा वही समझ सकते हैं, इन्होंने वो चीज़ समझी नहीं है तो ये कैसे इस चीज़ को बना सकते हैं। तो ये कृत्य इन्होंने ये किया गया है, डेफिनेटली ये बिल्कुल हटना चाहिए सारी चीज़ों का, और केवल एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, जितने भी प्लेटफॉर्म पे अभी प्रेजेंट में ये गाना चल रहा है वहाँ से हटना चाहिए और आगे भी इनको सोचना चाहिए कि ये कृत्य करते जाएंगे और हम लोग चुप हो जाएंगे, अब वो समय जा चुका है, हम भी उठ चुके हैं, हम भी जानते हैं हमने संस्कृति को कैसे बचाना है। तो मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि और भी जितने प्लेटफॉर्म हैं इन पे ये गाना तुरंत के तुरंत हटना चाहिए।
तो इस तरह से लोगों ने अपने भाव व्यक्त किए। मथुरा के तमाम क्षेत्रों के जुड़े हुए लोग, विभिन्न क्षेत्रों के जुड़े हुए लोग हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने अपनी भावनाओं से हमें जानकार अवगत कराया और G9 के माध्यम से अपने भाव भी प्रकट किए। निश्चित तौर पर बॉलीवुड वर्तमान में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये भी कहीं अछूती बात नहीं है कि बॉलीवुड में काम करने वाले लोग, बॉलीवुड के द्वारा किए गए क्रियाकलाप भारत के भी युवाओं के हृदय में वास करता है। बस निवेदन यही है कि जो भी किया जाए, किसी भी धर्म विशेष की संस्कृति को अछूता छोड़ करके उनको आहत न करते हुए किया जाए। साथ में सभी ने यह भी मांग उठाई कि सनी लियोनी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सारेगामा जो कंपनी है, इसके द्वारा ये लिरिक्स के साथ में वीडियो सोशल मीडिया पर जो डाला हुआ है, इसे हटना चाहिए और परिवर्तित अवश्य करना चाहिए और भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। G9 न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी साथी विवेक चतुर्वेदी के साथ मोहित चतुर्वेदी।